गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो मेरा मॉर्निंग तो बिल्कुल भी गुड नहीं था, क्योंकि 48 आवर्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं था इधर एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग का कश्मीर में आज लास्ट डे था, इसलिए भी थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। इतना दिन से यहीं पे है एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किए, वाइब भी अच्छा था इधर, सो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड वन। तो जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट एनीवेज घर तो आना ही पड़ता। एंड जैसे कि आज हम लोग का लास्ट डे था कश्मीर में, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे। तो ज़्यादा तो एक्सप्लोर करना हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से निकले थे एंड मतलब शिकारा में आधा टाइम निकल गया था। एंड वैसे हम लोग मतलब अच्छी तरह से प्लान नहीं किए थे, तो ज़्यादा कुछ हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो हम लोग का मतलब ये तो बहुत दिनों से विश था कि शिकारा में चढ़ेंगे, शिकारा में चढ़ेंगे। सो फाइनली वी डिड इट एंड अभी हम लोग 11 o'clock इधर पहुंच गए थे। 2 घंटा का टाइम लगा था। एंड इधर का प्राइस मैं पहले बता देती हूँ, हम लोग का इधर 1100 पर हेड लगा था। सो हम लोग 3 जन थे, मैं, मम्मी और पापा। सो इट वॉज लाइक दैट। एंड कुछ एक्स्ट्रा अगर चार्जेस पे करना पड़ा था तो वो हमको याद नहीं है। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छा लगा था मुझे कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे वैसे वैसे मतलब सामान सब भी आ रहा था हम लोग के पास ही। सो इट वॉज समथिंग डिफरेंट, हम लोग वहाँ से बहुत कुछ परचेज भी किए। एक बार ये सब क्या मतलब व्लॉग वगैरह ख़त्म हो जाए एंड अभी मेरा एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, तो सब कुछ इधर ख़त्म हो जाए तो मैं फिर एक दिन दिखाऊंगी। शायद कुछ दिन टाइम लगेगा, बट मैं अब मतलब दिखाऊंगी आप लोग को कि मैं वहाँ से क्या क्या परचेज़ की हूँ। शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और हमको तो अभी तक अपना व्यूज़ वगैरह देख के तो ये तो पता चल ही गया है कि आप लोग को ट्रैवल व्लॉग से ज़्यादा हॉल वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ऑफकोर्स आई विल डू दैट फॉर श्योर। एंड हम लोग जो सब भी वहाँ से परचेज़ किए थे उसका प्राइस तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो सब भी याद होगा मैं आप लोग को बता दूँगी। कुछ कुछ स्टोर का नंबर भी है मेरे पास, अगर आप लोग को चाहिए देन आप लोग मुझे बता सकते हो। आप लोग उन लोग को ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हो, उन लोग व्हाट्सअप में फ़ोटो वगैरह भेज के मतलब ऐसे आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो एनीवेज आप लोग भी इसका चारों तरफ का जो सीन है वो भी आप लोग देखो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दाल लेक आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पे कुछ मूवीज़ का भी शूटिंग हुआ था, जैसे बॉबी, हैदर, जब तक है जान एंड आपकी कसम, मतलब वही हम लोग को बताया गया था। तो मैं भी वही चीज़ आप लोग को भी रिपीट कर दी हूँ। और ये था कुछ फ्लोटिंग मार्केट्स जहाँ पे स्वेटर, शॉल्स, साड़ी बहुत कुछ ऐसे मिल रहा था, हम लोग कुछ लिए भी है। एंड हम जैसे आपको बताया कुछ देर पहले कि जो सब भी लिए है कश्मीर से, मैं सब कुछ आप लोग के साथ कोई दूसरा वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये कुछ अलग ही चीज़ था जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड इट वाज प्रीटी गुड। एंड उन लोग ये भी बता रहे थे कि जैसे हम लोग का हर घर में स्कूटी, बाइक वगैरह रहता ही है, तो वैसे उन लोग का एक छोटा छोटा बोट रहता है जिससे उन लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। उन लोग मार्केटिंग वगैरह बोट के थ्रू ही करते हैं, तो वो एक हमको बहुत अच्छा लगा। एंड ये सब जो आप लोग को दिख रहा है अभी वो हाउस बोट है एंड आप लोग वहाँ रह भी सकते हो। तो हम लोग इस बार नहीं रहे थे, शायद अगर कभी जाएंगे कश्मीर फिर तो शायद रुकने का भी उधर प्लान बनाएंगे हम लोग। एंड जैसे आप लोगों को मैं बताई थी कि श्रीनगर का जो लोकल था वही हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे थे। वैसे ज़्यादा कुछ तो हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट ये शंकराचार्य का टेंपल हम लोग को विज़िट करना ही था। हम लोग को बताया भी गया था कि यहाँ पे 200 स्टेप्स होता है
एंड हाँ, और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मतलब घुसने के पहले चेकिंग होता है सही से, एंड अगर आप लोग कुछ परफ्यूम वगैरह कैरी करते हो तो पहले उन लोग रख लेता है, एंड देन जब आप लोग मंदिर से निकलते हो फिर आप लोग को वापस मिल जाएगा। सो अगर आप लोग आते हो एंड 200 स्टेप्स आप लोग चढ़ सकते हो, अगर आप लोग का घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है देन प्लीज़ गो अहेड एंड विजिट दिस टेम्पल। जैसे आप लोग अंदर जाते हो ना, एक पॉजिटिव वाइब आप लोग फील कर सकते हो, एंड जो चारों तरफ था काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ अंदर में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक मत करना क्योंकि वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है। एंड द अदर थिंग इज़, अगर आप लोग जा रहे हो कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू, क्योंकि वहाँ का पानी जो रहता है आप लोग पी तो सकते हो बट काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, गला ख़राब हो जाने का भी चांसेस होता है। एंड अगर आप लोग का पहले से ही कुछ सर्दी खांसी रहता है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। थिंक वाइजली एंड डू दैट। एंड और एक बात जो है, ऊपर से इसका जो सीनरी है कुछ ऐसा दिख रहा था, तो अगर शायद मैं ऊपर नहीं आती तो हमको ये ब्यूटी विटनेस करने को नहीं मिलता। सो इट वॉज़ आर लास्ट डे इन कश्मीर एंड फाइनली हम लोग का ट्रिप ख़त्म भी होता है। बोलने में भी बुरा लग रहा है बट क्या कर सकते हैं। आई होप यू गाइज इंजॉयड माई वीडियोज़। सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।